भगवान शिव ने किसको प्रकट किया था क्रोध में? हाँ, काल भैरव को। और काल भैरव को भगवान शिव कह रहे हैं, काल भैरव जाओ, तुम हमारे द्वारा निर्मित आनंदवन जिसे काशी कहा जाता है, उस काशी नगर के द्वारपाल बनोगे। इसलिए कभी काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ तो काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है। काल भैरव कहने लग गए, मैंने ब्रह्मा के पंच मस्तक पांचवे मस्तक को काटा है, जिसके कारण ब्रह्म दोष ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। प्रभु, इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे निकला जाए? ध्यान दीजिए, बड़ी विचित्र कथा को मैं बता रहा हूं, जिसके बारे में बस सुना सुना है, जानते नहीं ये भी है। भगवान शिव कहने लग गए, ब्रह्मा के इस बचे हुए पांचवे मस्तक की खोपड़ी को जब ब्रह्मा की सृष्टि बनेगा तो तीनों लोग पूरी सृष्टि पर तुम भिक्षायाटन करना, और भिक्षायाटन करके जब कैलाश आ जाना तो पवित्र होने के बाद काशी नगर के द्वारपाल बन जाना। कहते हैं काल भैरव भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि बना दी, ये कथा बाद में आती लेकिन प्रसंग का यहां है, इसलिए यही हम कह दे रहे हैं। काल भैरव जब ब्रह्मा की सृष्टि बन गई तो ब्रह्मा की सृष्टि बनने के बाद उस मस्तक को लेकर भिक्षायाटन करने लग गए, और भिक्षायाटन करके जब हिमालय गए तो भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी जी मिल गई। नाम जानते हो ना, क्या नाम था? हाँ, इसी बहाने कम से कम माता का नाम तो ले रहे हो। माता पार्वती मिल गई, और काल भैरव माता पार्वती को पहचान न पाए, न पहचानने के कारण बुरी दृष्टि पड़ी और माता पार्वती क्रोधित हो गई, और माता पार्वती क्रोध में आकर के पुनः काल भैरव को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, देह तो शरीर का है लेकिन मति पशु की जैसी है, इसलिए जाओ तुम ना मनुष्य रहोगे ना पशु रहोगे, आधे पशु आधे मनुष्य बन जाओ। जैसे ही श्राप दिया सब भगवान शिव की माया थी, माया गई, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भोले बाबा कहने लग गए, काल भैरव चिंता मत करो, यह सब मेरी माया है, तुम्हारा जन्म ऐसे राज्य पर होगा जिस राज्य का राजा मेरा परम भक्त होगा। और जानते हो काल भैरव कहाँ इस रूप को लेकर जन्म लिए? मध्य प्रदेश की पावन धरा उज्जैन नगरी पर, और उज्जैन के राजा हुए सम्राट विक्रमादित्य, और नाम पड़ा उसका बैताल। विक्रम बैताल की कहानियां सुनते हो? ये वही विक्रम बैताल है। महाराज विक्रमादित्य को बैताल उनके मस्तक पर विराजमान होकर के भय दे देकर मुक्ति के निमित्त विक्रमादित्य को कहानियां सुनाता, और विक्रमादित्य भगवान शिव की उपासना के लिए जाने का प्रयास करते, और भगवान विक्रमादित्य भगवान की प्रेरणा से विक्रमादित्य ने वह वैताल को मुक्त किया, और वैताल को जैसे ही मुक्त किया, मुक्त होते ही वैताल काशी नगर जाने लग गया कि मैं तो अब काशी में जाऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा, नहीं नहीं, मैंने मुक्त किया है अपनी नगर के लिए, इसलिए हमारे नगर के तुम द्वारपाल बनोगे। और विक्रमादित्य ने उज्जैन में काल भैरव को उज्जैन के द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। तो कभी महाकाल दर्शन करने जाओ तो उज्जैन में भी काल भैरव का दर्शन करना ही चाहिए। इस तरह से काल भैरव के दो रूप प्रकट हुए, एक रूप को श्री बनारस में काशी विश्वकाशी में द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए, और दूसरा उज्जैन में महाकालेश्वर के यहां उत्पन्न हुए।